अच्छा होने आज आप आ गए। क्या हुआ? वो ये मंगलसूत्र निकल गया, प्लीज उठा के पहना दीजिए ना, मेरे हाथ गंदे हैं। सोच क्या रहे नेहा जी, जल्दी पहनाइए ना। और हाँ, इसमें टाइट बांधिएगा। नेहा जी जल्दी पहनाइए ना, ये मंगलसूत्र मेरे गले से दूर होता ना तो मुझे अजीब सी घबराहट होती है। वो है सुचिता, मेरे हाथ देखो कितने गंदे हैं, मैं धोकर आता। कहाँ गंदे, साफ तो है नेहा जी। एक सेकंड, अगर मेरे हाथ में ये आटे लगे नहीं होते तो मैं खुद पहन लेती। जल्दी पहनाइए। सुचिता, वो मुझसे अच्छे से बन नहीं रहा, सॉरी। हाँ, तुम बाद में बांध लेना। मेरे बेटे के करीब आने के कुछ ज्यादा ही पैंतरे लगा रही है ये रुचिता, इसे रोकना होगा। क्या तरीका है बुड्ढे सरकार, शर्ट की इस्त्री खराब कर दी हमारी। मुझे तू सच सच बता, ये सब कुछ तू जानबूझ के नहीं कर रहा ना? तूने ही तो बच्चों को नहीं भड़काया है ताकि तू रुचिता से शादी कर ले और मेरी जायदाद में हिस्सा ले ले। अरे क्या बोल रहे हो आप, दिमाग खराब हो गया आपका? मैं ये हरकत करूंगा? आप तो सब जानते हैं ना मेरे बारे में। एक तो आपकी बहू ने मेरी खोपड़ी गर्म करके रखी हुई, कभी सिंदूर लेकर आ जाती है, कभी मंगलसूत्र। अपनी जान बचाकर भागा मैं इतनी मुश्किल से, ऊपर से आप है। आज तो ये बात किसी भी तरह से टल गई, लेकिन अगर मां ने जिद पकड़ ली ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा ये शादी रोकने के लिए। क्या? एक तरीका है मेरे पास, देखो। अरे सठिया भी गए हो क्या, शादी टल जाएगी, मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझसे नहीं होगा। अरे सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, इसी से शादी से बच पाओगे तुम। आपके इस एक्टिंग के चक्कर में ना ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे हम। अरे मुझसे नहीं होगा ये सब, आप कोई और तरीका सोचिए। अरे अरे पापा पापा पापा। अरे बच्चों तुम। पापा प्लीज 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 शादी के लिए मान जाओ ना। प्लीज हम दोनों को आपकी शादी देखनी है, प्लीज मान जाओ। हाँ पापा देखो, मैंने आपके लिए कार्ड भी बनाया है। मैंने तो ये भी सोच लिया है हम आपकी बारात में कैसे डांस करेंगे, दिखाया रोए। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। अरे 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 बच्चों, अभी आप दोनों की उम्र मम्मी पापा की शादी के बारे में सोचने की नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देने की है। होमवर्क किया आप दोनों ने? हाँ नहीं ना, चलो 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 जल्दी जाओ होमवर्क करो, चलो 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 जाओ जल्दी जल्दी काम करते। एक काम करता हूँ, घर से ही भाग जाता, नहीं फिर माई के इलाज का क्या होगा। लगता है उस बुढ़े सरकार की बात माननी ही पड़ेगी। एक काम करो, तुम खुद को चोट लगा लो, कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारी जान पे बना है, फिर तो शादी टल जाएगी। अब जब मैं खुद को ही चोट पहुंचाऊंगा तो शादी तो कैंसिल हो ही जाएगी। जय भोलेनाथ जी की। इससे तो बड़ी जोर की लगेगी। आ,
ये बाल्टी कहां से आई? भगवान, निहार जी आप ठीक तो है ना? हाँ, I'm so sorry. वो ये बाल्टी मुझसे गिर गई थी कॉरिडोर में, जिसकी वजह से आपका पैर फिसल गया. मुझे पता भी नहीं चला कब ये हादसा हो गया. हे भगवान, अगर अभी आपको कुछ हो जाता तो I'm so sorry. कोई नहीं, थैंक यू, तुमने चोट लगने से बचा लिया मुझे. सर पे चोट कैसे लगी आपको? नहीं, वो कल मैं रात को बेड से गिर गया था, शायद तभी लग गई हो. क्या निहार जी, आप भी ना, अब आप जाके आराम कीजिए, मैं अभी बाम लेकर. नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी कीर्तन के लिए जाना है ना, तो लेट हो जाएंगे. शीशा कैसे टूट गया? ये तो निहार जी की घड़ी, वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? हे खाटू जी, प्लीज मेरे निहार जी की रक्षा करना. इन दोनों को क्या हुआ? रुई जुई, क्या हुआ? आप दोनों इतने शांत क्यों? हम आप बड़ों से नाराज हैं. नाराज क्यों? मम्मी, हमने ऐसा क्या गलत मांग लिया जो सब हमें ऐसे कह रहे हैं? हाँ, बस आपकी और पापा की शादी देखना चाहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? रुई जुई, शादी एक ही बार होती है, इसलिए दादू ने मना किया होगा. ये शादी तो आपको और पापा की है, फिर दादी दादू को क्या प्रॉब्लम है? वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जूही, क्या बेटा, शादी पूरे परिवार का फैसला होता है. शादी जैसे फैसले ना ऐसे ही लिए नहीं जा सकते. तो क्या मम्मी, हम परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे फैसले जरूरी नहीं है? जो हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा. ये माई का फोन क्यों ऑफ आ रहा का तुम्हारा? देखकर नहीं चल सकती, जब देखो टकराती रहती हो. चश्मा लगा है ना, तो उसका इस्तेमाल भी किया करो. निहार जी को अचानक से क्या हो गया? शायद दादी जी को तुम से देख लिया होगा, तो भी घबरा के चला के जाएगा. ये निहार को हो क्या गया है? रुचिता से इतनी बेरुखी, मुझे लगा ही था. जब से निहार उस हादसे के बाद घर वापस आया है, इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. तजुर्बेदार आंखें हैं मेरी,
रिश्तों की गहराई को पढ़ लेती हैं, तो उन्हीं रिश्तों में आई दरार को भी देख लेती हैं। इससे पहले कि इनके रिश्ते में कोई और दिक्कत आए, ये शादी हो ही जानी चाहिए। इसी से इनके रिश्तों को एक नई शुरुआत मिलेगी। क्या हुआ माँ, आप कुछ खाती नहीं रही? माँ जी, क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे हैं आप? आपकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर खाना नहीं पसंद है? वैसे माँ जी, पसंद आएगा भी कैसे, ये सब बनाया तो रुचिता नहीं है ना। मैंने फैसला किया है कि जब तक रूही जूही की मांग पूरी नहीं हो जाती, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। पानी की एक बूंद भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। माँ जी, आप क्या बस? अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। जब तक रुचिता और निहार की शादी नहीं हो जाती, मैं अनशन पर रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ, ये क्या जिद है? इसे मेरी जिद समझो या मेरी आखिरी इच्छा, लेकिन मैं रुचिता और निहार की शादी के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। अरे माँ जी, ऐसी जिद ठीक थोड़ी ना होती, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी काम का। तबीयत बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, लेकिन सही मायनों में इस घर की खुशियां वापस आनी चाहिए। ये शादी होनी ही चाहिए। दादी जी, खाने के बाद आपके लिए दवाई लेना बहुत जरूरी है, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा। प्लीज दादी जी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। मेरे घुटनों में दर्द हो या मेरा बीपी बढ़े, और मैं अगर मरती हूँ तो मर जाऊं। अरे मैं पूछती हूँ कि दोबारा शादी जैसी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने में हर्जी क्या है? और निहार और रुचिता तो वैसे भी शादीशुदा हैं, तो दूसरी बार शादी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक ठीक है माँ, ठीक है। अब आपने जिद पकड़ ही ली है तो मैं आज पंडित जी से बात करता हूँ और अच्छा सा मुहूर्त देख के रुचिता और निहार की शादी करवा देंगे, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। कल का मुहूर्त अति उत्तम है, कल ही रुचिता और निहार का पुनर्विवाह होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भूखे रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अरे ओ बुड्ढे सरकार, मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो आप लोग? यहाँ पे यहाँ बेटा बनने आया था, शादी नहीं करने आया था? अरे जाके समझाओ अपनी माता जी को कि ये शादी का भूत अपने सर से निकाल ले मेरे और रुचिता की। अरे कर सकता तो मैं यही करता, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा कि मेरी देवी जैसी बहू की शादी तू जैसे छिछोरे के साथ करता? किसी भी हालत में मुझे ये शादी रोकनी ही पड़ेगी। चश्मिश से शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगा। कल से माई का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, यहाँ इतना झमेला हुआ पड़ा है और माई का कुछ पता ही नहीं। माई को बताना बहुत जरूरी है, वरना इस झमेले में बुरी तरह फंस जाऊंगा मैं। हे खाटू महाराज, कल से रुचिता निहार एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमेशा। निहार, ये प्रसाद लो और खाटू जी को चढ़ाकर भोग लगा दो।
तेरी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं। बचपन में भी ऐसी हर भोग पर तू काजू लगाता था ताकि बाद में प्रसाद के बहाने तुझे खुद खाने को मिल जाए। पर ये बात तो मुझे उस बढ़ाऊ ने सिखाई नहीं, फिर मैंने निहार वाली हरकत कैसे की? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस गया। पूनम, इस जोड़े पर सुहागन के हाथों से तिलक लगना चाहिए। तुम आओ और अपने हाथों से तिलक लगाकर उस पर गंगा जल छिड़क दो। जल्दी हाथ पूछाओ बेटा, पानी डालो जल्दी जल्दी बेटा। पूनम, ये क्या था? मैंने सब देखा तुमने अभी क्या किया। हाँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। सच्ची में मुझे चक्कर आ गया था। देखिए अभी मेरा सर हल्का हल्का घूम रहा है। हाँ माँ, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। लगता है खाटू महाराज भी नहीं चाहता कि आज शादी हो। तो ऐसा है कि शादी अभी के लिए टाल देते हैं, फिर आगे देख लेंगे, है ना? हालांकि दादी, मैं भी इस सब में नहीं मानता, लेकिन जो भी हुआ मुझे भी लगता है अच्छा नहीं, इसलिए शादी को टाल ही देना सही रहेगा ना। बस बहुत सुन ली मैंने आप सबकी बात। अरे कोई अपशगुन नहीं हुआ है, मैं जानती हूँ। ये सब पूनम ने जानबूझकर किया है और अब चक्कर आने का बहाना कर रही है। अगर तुम्हें इस शादी में दिलचस्पी नहीं है तो तुम अपने कमरे में जाओ, कोई जरूरत नहीं है शादी में आने की। माँ जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे सच। चुप रहो, बहू हो तुम मेरी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। और नरेश, इतने समय बाद इस घर में खुशियां आई हैं, इस छोटे से हादसे की वजह से हम इन खुशियों को टाल नहीं सकते। मेरा फैसला आज भी वही है, ये शादी कल शाम को ही होगी, वरना मैं अपना अनशन नहीं खोलूंगी। रुचिता बेटा, ये लहंगा जला है मेरे अरमान नहीं। तुम कल मेरी शादी की बनारसी सिल्क वाली साड़ी पहनोगी जो मेरी सास ने मुझे दी थी। मैंने आज भी उसे संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, कल शाम को रुचिता और निहार का विवाह होकर रहेगा। रुचिता, बहुत खेल खेल लिए इस रुचिता ने। आज के बाद उसके सारे खेल मैं खत्म करूंगी। से मार दो।
उसी पे लटका दूं। आग से जला दूं। बंदूक से उड़ा दूं। पैतरा चाहे कोई भी हो, लेकिन आज के बाद सुचिता निहार के लायक नहीं रहेगी, ये तो तय है। निहार जी, कैसे निकलूं यहां से बाहर? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रुचिता, रुचिता जी माँ, पड़ोस के कीर्तन में जा रही हो क्या? अच्छा एक काम करो, जरा स्टोर रूम चली जाओ और वहां जाकर बड़े बड़े बर्तन निकाल लो। असल में प्रसाद बनाने के लिए उनके पास बड़े बर्तन नहीं है तो मंगवाए हैं। मैं किसी के हाथों में भिजवा दूंगी। ठीक है अभी ला। और सुनो, ये चप्पल उतार देना, भगवान के बर्तन है ना, अच्छा नहीं। ठीक है। निहार जी, कैसे निकलूं यहां से बाहर? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रुचिता, कोई है? कौन है? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। निहार जी, कैसे निकलूं यहां से बाहर? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रुचिता, कोई है? कौन है? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो।